यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। घटना गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर की है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। मेडिकल टीम को भी बुलाया गया है और डिब्बों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के बाद रूट पर आने वाली ट्रेनें बाधित हो गई हैं। जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका नंबर 15904 है। एक यात्री ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 2:30 पर हुआ। चंडीगढ़ से ट्रेन चली थी और गोंडा के करीब 20 किलोमीटर आगे ये हादसा हुआ है। दो बोगियां पूरी तरह से पटरी से उतर गई, वहीं पटरियां भी उखड़ गई। लोग बड़ी मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रेल हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों सीएससी पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। वहीं यूपी सरकार और असम सरकार आपस में संपर्क में है। रेल हादसे को लेकर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। यहाँ ये 2:30 के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियां खिसक चुकी हैं, यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।